भदोही पुलिस ने एक फर्जी अपहरण के सनसनीखेज मामले में अब खुलासा कर दिया है। युवती अपनी प्रेमी के साथ भागने से पहले बहन के साथ मिलकर अपहरण का ड्रामा रचा था। बहरहाल भदोही पुलिस की टीम गठित कर युवती को महाराष्ट्र से सकुशल बरामद कर लिया गया है और ये मामला दुर्गागंज थाना क्षेत्र के आनंदडीह गाँव का है। इस गाँव के निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिलोरो से अपहरण किए जाने का मामला थाने में दर्ज कराया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी राजेश एस ने तत्काल एक टीम को गठित करके युवती की बरामदगी के लिए निर्देश जारी किए थे। इस पर एसएसपी डॉक्टर संजय कुमार के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार पांडे के नेतृत्व में गठित टीम ने दिन रात एक करके इस मामले में पालघर महाराष्ट्र से सकुशल इस युवती को बरामद कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह गांव के ही अब्दुल्ला के साथ महाराष्ट्र चली गई थी और वहां जाकर उसने निकाह भी कर लिया। दोनों एक दूसरे को एक साल से जानते हैं। वह अपनी मर्जी से अब्दुल्ला के साथ रहना चाहती थी। इस घटना की जानकारी उसकी छोटी बहन को भी थी। एएसपी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि बरामदगी करने वाली टीम ने एसआई सरोजमा सिंह मक्खनलाल थाना दुर्गागंज, राधेश्याम कुशवाहा, संजय कुमार चौरसिया, बिंदा कुशवाहा शामिल रहे। यहाँ से 10 बजे एक मोटरसाइकिल के माध्यम से गोपीगंज गया और वहाँ से ट्रेन से महाराष्ट्र गया। फिर यहाँ से टीम रवाना हुई। टीम में हमारे साथ कुछ खड़े हैं और उसमें टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ पे जाके और लड़की को बरामद किया। बरामद करने के बाद जब लड़की से पूछताछ हुई तो उसने ये स्वीकार किया कि मैं स्वयं अपनी मर्जी से गई थी और वहाँ इन लोगों ने बांद्रा में निकाह किया और निकाह के बाद पुलिस को निकाहनामा भी दिया और मुकदमे में फिर आवश्यक कार्रवाई की गई। क्योंकि लड़की बालिग थी तो उसमें घटना में FIR लगी है और जो लोगों ने इल्जाम लगाया था सनसनी खेज झूठी सूचना पुलिस को दी थी, बरामद की थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा। भदोही से ये थी जयशंकर दुबे की रिपोर्ट।